देश और दुनिया के खूबसूरत पंछियों का स्वर्ग है भरतपुर। राजस्थान का जिला भरतपुर, जहां दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट कुदरत के इन नजारों को देखने पहुंचते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको सुनाएंगे इसी भरतपुर की कहानी कि कैसे बरसों पहले इस छोटे से शहर से निकले एक लड़के ने आज देश की राजनीति में ला दिया है भूचाल। तो आपकी राय मौजूदा समय में सोनिया गांधी जी को लेकर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर क्या राय है? किताब पढ़ लेना। यह देश के पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह। नटवर सिंह का भरतपुर से पैदाइशी रिश्ता है और साथ ही देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने यानी गांधी परिवार से बेहद करीब का नाता भी रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक हर पीढ़ी, हर दौर में नटवर सिंह बरसों बरस गांधी परिवार के करीबी माने जाते रहे। लेकिन अब वो जिस किताब को पढ़ने के लिए आपसे कह रहे हैं, दरअसल उसमें उन्होंने कुछ ऐसी सनसनीखेज बातें लिखी हैं, कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने सोनिया गांधी सहित पूरे गांधी परिवार को ही कर दिया है परेशान। सोनिया जी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि बनती कैसे? लड़का तो मना कर रहा है। अगर लड़का मना ना करता तो वो तो फैसला वो करती, वो उसका मुझे नहीं मालूम। मगर वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब कभी फैसला करती तो वो राहुल इतराज़ करते कि भाई आप मेरी माँ हैं, आपको गोली लग जाएगी जैसे मेरे पिता को, मेरी दादी को लग गई। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे भरतपुर के सिंह की किंग बनने की कंप्लीट कहानी, साथ ही उनकी नई किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ की भी करेंगे पूरी पड़ताल और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 9 साल की चुप्पी के बाद नटवर सिंह ने खो दी है विवादों की ये खाई। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस की राजनीति में नटवर सिंह ने कब और कैसे दी थी शह और मात। नटवर सिंह जैसा अनुभवी और सुसंस्कृत व्यक्ति कोई गलत या क्षुद्र बात लिखेगा, जो कुछ उन्होंने लिखा है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का MLA है, आज वो खुद नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, कौन करेगा उनकी बात पे यकीन? सोनिया गांधी को खुद उनके बेटे राहुल गांधी ने ही देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था। कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे नटवर सिंह ने सोनिया गांधी को लेकर कुछ ऐसे ही अहम खुलासे अपने आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ में किए हैं। नटवर सिंह के इन खुलासों ने महज कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गर्मा दिया है। दरअसल सोनिया गांधी को लेकर नटवर सिंह के ये दावे जितने सीधे नजर आ रहे हैं, उन्होंने घाव उतना ही गहरा किया है, क्योंकि नटवर सिंह के इन खुलासों ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने गांधी परिवार की साख पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लेकिन नटवर के खुलासे से पहले आइए आपको सुनाते हैं सोनिया गांधी का वो बयान जिस पर नटवर सिंह ने लगाया है सवालिया निशान। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर सकती हूं। 10 साल पहले सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, लेकिन अब गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दावा किया है कि 2004 में सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के कड़े ऐतराज और डर की वजह से प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था, न कि अंतरात्मा की आवाज पर। जैसा कि उन्होंने उस वक्त दावा किया था, खुले लफ्जों में कहें तो सोनिया का वो त्याग सिर्फ एक ढोंग भर था। नटवर के मुताबिक राहुल गांधी ने सोनिया को प्रधानमंत्री पद ठुकराने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन भी दी थी।
नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ में सोनिया गांधी पर पूरा एक चैप्टर लिखा है, जिसमें लिखा है 2004 आम चुनाव में जीत के बाद सोनिया ने दो बड़े फैसले लिए, प्रधानमंत्री का पद ठुकराया और पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना। सोनिया के पीएम नहीं बनने की एकमात्र वजह राहुल गांधी का जोरदार विरोध था। राहुल गांधी को डर था कि उनकी माँ की भी दादी और पिता की तरह हत्या हो जाएगी। राहुल ने कहा था कि वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। आपने जो देखा उस मीटिंग में कि राहुल गांधी ने कहा कि उनको नहीं, तो राहुल गांधी का पार्टी के मामलों में, सरकार के मामलों में तभी से इतना दखल है या सिर्फ सोनिया गांधी के फैसले में दखल था? नहीं, अपनी माँ के लिए था भाई। वो तो दो साल तो हुए थे उनके एम पी हुए, तो अपनी मदर के लिए उन्होंने कहा आप, मैं नहीं देखूंगा कि आप खून बहाएं कि आपको गोली मारी जाए, और आपको गोली मारी जाएगी अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गई तो, और मैं राहुल गांधी सहमत हूँ। तो वो जो उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ थी, त्याग था, देखिए मैं जो उन्होंने किताब लेगा उसे आग पीछे नहीं जाऊँगा मैं। उस मीटिंग में ये फैसला हो गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे, उसी मीटिंग में? हाँ हाँ, वही हो गया था। तब कोई मुझसे नहीं कहा, मगर फैसला हो गया था। अपने दावे को वजन देने के लिए नटवर सिंह ने यह भी बताया कि 6 मई को सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ उनसे मिलने उनके घर आई थी। सोनिया और प्रियंका ने नटवर सिंह से ये गुजारिश की थी कि सोनिया के प्रधानमंत्री पद न स्वीकार करने वाली बात को वो अपनी किताब से हटा दें। 6 तारीख को उन्होंने टेलीफोन किया कि मैं आ जाऊं, मैंने कहा जाइए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने भेजा आपसे बात करने के लिए। फिर मदर भी आई, थोड़ी देर बाद आ गई। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, मैंने कहा बड़ा सरप्राइज। तो फिर उनको तो उम्मीद रही होगी कि फिर आप ये सब चैप्टर नहीं छापेंगे? तो मैंने वो कह दिया ना, वही कह दिया था आपने? नहीं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैंने दरअसल प्रियंका को बता दिया सब कुछ जो 8 साल से मेरे साथ हुआ, और उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखिए ये तो कोई मानक तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता कांग्रेस पार्टी में ना सरकार के अंदर। पर उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफी नहीं, सो आई से सॉरी और क्या कहती। दरअसल नटवर सिंह के खुलासे ने सीधे गांधी परिवार की विश्वसनीयता पर ही चोट कर दी है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने नटवर की किताब पर उन पर की गई टिप्पणियों का जवाब देने के लिए खुद किताब लिखने की बात कही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी नटवर सिंह पर जम कर कर रही है पलटवार। आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कभी सोनिया के बेहद करीबी रहे नटवर सिंह आज हो गए हैं उनके इतने खिलाफ। लेकिन नटवर सिंह की दिलचस्प कहानी से पहले एक नजर देखिए कैसे इस मुद्दे पर मचा है घमासान। 10 साल से हमने एक ढोंग का नाटक सुनते रहे हैं कि ये जो सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी इसलिए नहीं बनी, वो कह रहे थे कि कोई आत्मा अंदर उनको त्याग देने को कह रहा था। ये पता चल गया नटवर जी के कहने से कि ये सब गलत था। उन्होंने संगठन में काम किया है, सरकार में काम किया है, बुजुर्ग आदमी है। 9 बरस के बाद कोई नया ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, या कोई याददाश्त बड़ी तेज हो गई हो कि 9 साल के बाद बातें याद आई हो। जब उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से कांग्रेस का काम चलता है, तो ये बयां करता है कांग्रेस का वो लोकतांत्रिक चेहरा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो इतनी सक्रिय थी राजनीति में, इतनी पावरफुल थी कि सारी फाइलें उनके घर में आया करती थी, और दूसरी तरफ कह रही थी कि वो इतने डरपोक थी। मैं पूछता हूँ कि जो इतनी सक्रिय राजनीति में रहने वाला शख्स हो, जो इतनी सक्रियता से रह रहा हो, वो प्रधानमंत्री के पद को क्यों छोड़ेगा? बहुत से ऐसे पहलू जिस पर देश के अंदर चर्चा थी कि कोई बहुत बड़ा त्याग हुआ है, वो त्याग नहीं था, वो डर था। नटवर सिंह ने यह भी दावा किया है कि यूपीए सरकार के शासन में सोनिया गांधी ही सबसे बड़ा पावर सेंटर थी। नटवर के इस दूसरे अहम खुलासे की पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सोनिया के बेहद करीबी रहे नटवर आज हो गए हैं उनके खिलाफ। दरअसल सोनिया और नटवर के बीच मनमुटाव की यह कहानी 2005 में उस वक्त शुरू हुई जब नटवर सिंह यूपीए की पहली सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे। राजीव गांधी के ऊपर चैप्टर है और चैनल भी हुई थी,
मैंने बड़ी तारीफ की है क्योंकि बहुत अच्छे आदमी थे, इतना शरीफ इंसान था, इतने बड़े दिल का इंसान था, किसी के लिए बड़ा भला कभी कहते नहीं थे, तो इज अ ग्रेट मैन। और इसी वजह से तो आप इतने करीबी रहे परिवार के भी। नहीं नहीं, मैं तो इंदिरा जी के दफ्तर में था 5 साल, बहुत निकट से काम करता था। नहीं, मैं बचपन से पंडित जी की छोटी बहन थी कृष्णहाती से, उनके लड़के हर्ष अजी मेरे साथ स्कूल में थे, तो मैं जब से जानता हूँ, जब मैं यहाँ आ गया सेंट स्टीवेंस कॉलेज में, जब कृष्णहाती सिंह जी आती थी यहाँ 3 मुहूर्त में ठहरते, मैं जाता था उसे मिलने के लिए, तो इंदिरा जी आ जाती थी, कभी पंडित जी आ जाते थे। भारतीय विदेश सेवा में अफसर रहे नटवर सिंह इंदिरा गांधी के जमाने में ही नेहरू गांधी परिवार के बेहद नजदीक आ गए थे। वो नरसिम्हा राव के शासनकाल में सोनिया गांधी से नजदीकियों के चलते ही विद्रोही तिवारी कांग्रेस में भी शामिल हुए थे। गांधी परिवार से उनकी नजदीकियों का उन्हें उस वक्त इनाम भी मिला जब 2004 में यूपीए 1 की सरकार में उन्हें देश का विदेश मंत्री बनाया गया। Global energy situation and the importance of our cooperation in this regard, including on civil. विदेश मंत्री के तौर पर नटवर सिंह के ये 1.5 साल बेहद गहमा गहमी भरे थे, क्योंकि यूपीए सरकार के बनते ही नेपाल में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। इसके फौरन बाद साल 2004 में ही इराक में अमेरिकी सेना की मदद के लिए भारतीय सैनिक भेजने के बयान पर नटवर सिंह की काफी फजीहत हुई थी। हालांकि उनके विदेश मंत्री रहते हुए पाकिस्तान और भारत के संबंधों में गर्माहट देखने को मिली और श्रीनगर से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बीच दोस्ती की बस भी चली थी। The positions of both countries are known with regard to Jammu and Kashmir. There is nothing new. We have our position, you have your position. What is important is that the atmosphere in which these talks are being held, दोनों मुल्कों के अवाम में जो इस वक्त फिजा बदली है, we should not underestimate its impact on our relations. विदेश मंत्री नटवर सिंह के कार्यकाल में चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए गए थे। उधर भारत की अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि को भी नटवर सिंह की एक बड़ी सफलता माना जाता रहा है। बता दीजिए फॉरेन पॉलिसी क्या थी उनकी, मुझे तो लगी नहीं कि फॉरेन पॉलिसी थी उनकी, उन्होंने पड़ोसियों को ही नहीं देखा। ये मैंने कहा मोदी साहब से कि मैंने कहा आप जाइए पड़ोसियों का पहला काम करिए उनके साथ, जो मनमोहन सिंह ना गए पाकिस्तान, ना गए भूटान, ना गए नेपाल, ना गए श्रीलंका, वो करिए, मैंने कमजोर तो फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। और उन्होंने क्या कहा था, और क्या कहा था, हाँ तो वो पढ़ लीजिए कॉन्डोलिसा राइस की ऑटोबायोग्राफी, नो हायर ऑनर्स में लिखा हुआ है कि नटवर सिंह नहीं होते तो होता ही नहीं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या फिर सुपर पावर अमेरिका, नटवर सिंह बहुत तेजी के साथ कूटनीति के बिसात पर अपने चाल चलते जा रहे थे, लेकिन उनका खेल बिगाड़ा तेल ने। साल 2005 में इराक में तेल के बदले अनाज घोटाले में कथित तौर पर भूमिका होने की वजह से नटवर सिंह को यूपीए 1 की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल तब प्रकाशित वॉल्कर रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ था कि नटवर सिंह ने विपक्ष में रहते हुए ही इराक से तेल वाउचर हासिल किए थे। ये पूरा मामला सिर्फ 8 करोड़ रुपए का था। अक्टूबर 2005 में जब तेल के बदले अनाज घोटाले का ये मामला उछला, तो इसी के बाद से नटवर सिंह और गांधी परिवार के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। सोनिया गांधी अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस कर रही हैं। देखिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। व्हाई डू वांट टू पर्सनलाइज दिस थिंग, एक जो कमेटी बैठी हुई है वो फैसला करेगी, उसका इंतजार कर लीजिए आप। साल 2005 में नटवर सिंह इंदिरा गांधी ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन भी थे, लेकिन जब 19 नवंबर 2005 को ट्रस्ट की तरफ से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा था, उस कार्यक्रम में नटवर सिंह मौजूद नहीं थे, जबकि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई जाने माने लोग इस कार्यक्रम में आए थे। इस वक्त तक नटवर सिंह से विदेश विभाग छीना जा चुका था और उन्हें बिना विभाग का मंत्री बना दिया गया था, और फिर दिसंबर 2005 में उन्हें मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। आप समझते हैं कि मैं कोई वो हूँ, तो ये इन्होंने लगाई है ये जो जो पाठक रिपोर्ट, इट्स अ फ्रॉड दैट पाठक रिपोर्ट। राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अरे सारी जगह जाऊंगा। आप क्या समझते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, आप जरा देखिए आगे। तेल वाउचर के मुद्दे पर अपने इस्तीफे से नटवर सिंह पहले ही नाराज थे, लेकिन इस मुद्दे पर पाठक कमेटी की रिपोर्ट लीक होने के बाद वो इस कदर भन्न आए कि न सिर्फ पार्टी नेताओं के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया,
बल्कि अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी पेश कर दिया था। हिंदुस्तान के 11 प्रधानमंत्री हुए, उन 11 में से 10 प्रधानमंत्री लोकसभा में चुनकर आए थे। मैं लिख रहा हूं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को कि एक ही प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का जिसने आज तक म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीता और वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। वो मुझे सिखाएंगे कुछ? आप समझते हैं कि लड़ाई आर पार की है और हम खुल के लड़ेंगे। सोनिया गांधी से बढ़ती दूरियों के बीच नटवर सिंह के ऊपर से कांग्रेस आलाकमान का हाथ भी अब हट चुका था। आखिरकार उनके बागी तेवरों और आक्रामक बयानबाजी के चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्री नटवर सिंह इन द रिसेंट वीक्स आर इंडल्जिंग इन कैरिंग ऑन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द पार्टी एंड हैज ब्रॉट डिसरेप्यूट टू इट। ऑन दीज काउंट्स he has been suspended from the primary membership of the party। नटवर सिंह की कांग्रेस से विदाई के बाद यूपीए की पहली और दूसरी सरकार अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सामने आई है नटवर सिंह की राज उगलने वाली वो किताब जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी का छीन लिया है चैन और करार। कांग्रेस अध्यक्ष होकर पार्टी का संभालने का काम, देश को डायरेक्शन देने का काम सोनिया जी ने किया। हम सब सोनिया जी का आभारी हैं। और जो आरोप लग रहे हैं सर, जो नटवर सिंह जी ने आरोप लगाया, इसको उसको रेफर करने का जरूरत नहीं। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मर्यादा के परे है और कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे ये कहा जा सके कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ और कहा था और अब किताब से कुछ और सच्चाई निकल कर आई है। नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में दूसरा बड़ा खुलासा ये किया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी की पहुंच सरकारी फाइलों तक थी और सारे महत्वपूर्ण फैसले 10 जनपद से लिए जाते थे। नटवर सिंह के मुताबिक पीएमओ में प्रधान सचिव रह चुके पुलक चटर्जी खास फाइलें लेकर सोनिया के पास ले जाते थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नटवर सिंह के इन दावों को खारिज कर दिया है। मेरे कार्यकाल में कोई फाइल 10 जनपद नहीं भेजी गई। नटवर की किताब सिर्फ प्रचार का हथकंडा है। दूसरा एलिगेशन ये कि 10 जनपद तक सारी फाइलें एक्सेस की जाती थी, आरसीआर की सारी फाइलें। तो पहले क्यों नहीं बोले? मैं भी तो काम कर रही हूँ, हम लोग सब हिस्सा रहे हैं सरकार का। ऐसी बात तो कभी किसी के ध्यान में आई भी नहीं, कभी भी नहीं। नटवर सिंह ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मामले को एक बार फिर से हवा दी है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, इस वजह से उनके साथ बुरा बर्ताव किया। नटवर सिंह का कहना है कि उनकी जगह अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, इंदिरा गांधी होती, राजीव गांधी होते या फिर कोई अन्य भारतीय होता तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव न करता जो 45 साल से परिवार का वफादार रहा हो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। नटवर सिंह ने लिखा है, राजीव ने शाहबानो मामले, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मुद्दे और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के आंदोलन को गलत ढंग से निपटाया। इसके अलावा राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला निजी रूप से लिया था। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट या किसी अफसर से सलाह तक नहीं ली। देखिए, जब वो वहाँ थे, हम भी थे उनके साथ वहाँ कोलंबो में, जयवर्धन साहब ने कहा कि देखिए श्रीलंका में आग लगी हुई है और अगर कुछ मदद आपने नहीं करी तो हमारा सारा देश ख़त्म हो जाएगा। तो राजीव गांधी ने कहा कि देखिए मैं आपको फौज भेज देता हूँ। तो हम नरसिंह राव भी थे, हम और लोग थे उनके पास बातें कर रहे थे, जयवर्धन भी थे, तो मैं गया था क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये इन्होंने ये कहा है कि बड़ी ज़रूरत है और हमारे तो देश में आग लग जाएगी। तो मैंने कह दिया है, कहा जाए तो मैंने कहा आप कल तक इंतज़ार कर लेते वहाँ जाके दिल्ली में। तो उन्हें कहा बहुत ज़रूरी है, इनका दिल्ली वेरी सीरियस। दरअसल नटवर सिंह एक ताकतवर कांग्रेसी नेता के तौर पर राजीव गांधी के जमाने में ही उभर चुके थे। 1984 में पहली बार भरतपुर से सांसद का चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार राजीव गांधी की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए थे।
नेहरू परिवार से उनका संबंध 1944 से जवाहरलाल जी के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने में चला, राजीव जी के जमाने में चला और सोनिया जी के जमाने में चला। मेरे ख्याल से नटवर सिंह से ज्यादा नेहरू परिवार के निकट रहने वाला कोई भी जीवित व्यक्ति इस समय भारतवर्ष में नहीं है। मैंने राजीव जी के साथ बड़ी घनिष्ठता से काम किया है, उस समय में मुझे पता था कि किस तरह की घनिष्ठता निकटता नटवर सिंह जी की राजीव जी से है। कांग्रेस की राजनीति को करीब से जानने वालों के मुताबिक नटवर सिंह को प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत इंदिरा गांधी के दौर में ही हासिल हो गई थी, लेकिन देश विदेश में कामयाबी का ऊंचा मकाम हासिल करने वाले नटवर सिंह की जड़ें आखिर कहां जुड़ी है, आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के शहर भरतपुर, जहां हुआ था नटवर सिंह का जन्म। 16 मई 1931 को जब भरतपुर में नटवर सिंह का जन्म हुआ था, तब उन दिनों उनके पिता गोविंद सिंह भरतपुर रियासत के नाजिम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर तैनात थे। बाद में उन्हें रियासत का दीवान भी बनाया गया, इसलिए नटवर सिंह की शुरुआती शिक्षा भरतपुर में ही हुई थी, लेकिन बाद में उनका दाखिला राजस्थान के मशहूर मेयो कॉलेज में करवाया गया था। उन दिनों मेयो कॉलेज देश के उन 5 चुनिंदा स्कूलों में शुमार था जिन्हें अंग्रेजों ने राजे रजवाड़ों और कुलीन वर्ग के लोगों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराने के लिए तैयार किया था। 1944 में नटवर सिंह ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़ाई की और फिर उसके अगले ही साल 1948 में वो कॉलेज की पढ़ाई करने दिल्ली चले आए, जहां उनका दाखिला मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कराया गया था। सन 1953 में भारतीय विदेश सेवा में चयन के बाद अगले 30 सालों तक नटवर सिंह ने कई अहम पदों पर काम किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान उन्हें देश का विदेश सचिव बनाया गया और इस वक्त वो गांधी परिवार के काफी करीब आ गए, लेकिन गांधी परिवार से उनकी दूरियां और उन रिश्तों में दरार साल 2005 में शुरू हुए जब उन्हें यूपीए 1 सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी खुद गांधी परिवार के साथ अपनी वफादारी और करीबियत का ऐलान करते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी मानते रहे। उनका यही दर्द एक बार फिर उनकी आत्मकथा में भी छलक उठा है। उन्होंने कहा किताब लिखूंगी तो मैंने जरूर लिखी है, मैंने अभी कहा और आपके यहाँ कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो परसों शुरू कर दें लिखना और बताएं क्या हुआ असलियत है, मैं भी देखूंगा क्या असलियत है उनकी, वो क्या कहती है, अगर मैंने कोई गुनाह हो किया हो तो मैं उसका जवाब दूं। गांधी परिवार और सोनिया गांधी के विश्वास पात्र रहे नटवर सिंह के खुलासों ने आज उसी गांधी परिवार और सोनिया गांधी के विश्वास पर सबसे बड़ी चोट की है, लेकिन यह तस्वीर का एक रुख भर है। इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए इंतजार करना होगा उस किताब का जिसे सोनिया गांधी ने लिखने का वादा किया है।